एक तरफ जहां फैंस टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टाइगर दिशा ने फैंस का ये सपना हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। जी हां, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी ने अपने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगा दिया है, यानी अब दिशा और टाइगर एक कपल के तौर पर साथ कभी नहीं नजर आएंगे। दोनों ने अपना 6 साल का रिश्ता खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर और दिशा के रिलेशनशिप में पिछले 1 साल से काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे, पर कभी भी कपल ने इस बात को जग जाहिर नहीं होने दिया। दिशा और टाइगर ने अलग होने का फैसला क्यों किया है, इसकी असल वजह तो फिलहाल सामने नहीं आई है, पर इतना पक्का है कि दोनों ही स्टार्स अब सिंगल लाइफ जी रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान टाइगर के एक दोस्त ने कपल के ब्रेकअप की खबर को सच बताया है। टाइगर के दोस्त का कहना है कि ब्रेकअप से टाइगर ने अपने काम में कोई फर्क नहीं आने दिया, वो पहले की तरह अपने काम को लेकर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। टाइगर इन दिनों लंदन में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग यानी कि गणपत की शूटिंग में बिजी हैं। हालांकि टाइगर दिशा के ब्रेकअप के बारे में जब टाइगर के फादर यानी कि जैकी श्रॉफ से पूछा गया तो उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया। एक लीडिंग वेबसाइट से बात करते हुए जैकी श्रॉफ ने कहा, वो हमेशा दोस्त थे और अभी भी दोस्त हैं। मैं अपने बेटे की लव लाइफ को ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें हैंग आउट करते देखा है। मुझे लगता है कि वो अच्छे दोस्त हैं, काम के अलावा भी वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। खैर, जैकी श्रॉफ शुरुआत से ही दोनों को दोस्त बताते हुए आए हैं। अब वाकई दोनों के बीच दोस्ती थी या फिर अभी भी मौजूद है, इस बात का जवाब तो खुद टाइगर और दिशा ही दे पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं टाइगर दिशा के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस की उम्मीदों पर जरूर ब्रेक लगा दिया है कि कभी ये दोनों कपल अब एक साथ नजर नहीं आएंगे। वैसे टाइगर दिशा के इस ब्रेकअप वाली न्यूज को सुनकर आपका पहला रिएक्शन क्या था, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।